जैक एंड द बीनस्टॉक। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का जैक अपनी माँ के साथ एक गांव के पास एक छोटे से घर में रहता था। उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने सब कुछ बेच दिया था गुजारा करने के लिए। अब उनके पास बस एक गाय ही रह गई थी जो उन्हें दूध देती थी। वो इतने गरीब थे कि कई बार जैक और उसकी माँ खाली पेट ही सो जाते थे। जैक हर सुबह गाय को दोहता, गाय को चारा खिलाना पड़ता था दूध देने के लिए, पर उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो जैक की माँ ने कुछ सोचा। वो जैक के पास गई और उस एकमात्र गाय को बेचने को कहा। ठीक है माँ। जैक बाजार के लिए निकल पड़ा गाय बेचने के लिए, और रास्ते में उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। गुड मॉर्निंग जैक। गुड मॉर्निंग। इस गाय को लेके कहाँ जा रहे हो नन्हे लड़के? मैं इस गाय को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। ओहो बच्चे, तुम्हें इसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। मुझे दे दो ये गाय, मैं इसे खरीद लूँगा। तो फिर तुम मेरी गाय के बदले मुझे क्या दोगे? एक बहुत ही खास डील मैं दे रहा हूँ तुम जैसे अच्छे लड़के को। और वो क्या है? मैं तुम्हें अपनी 5 जादू की फलियाँ दूंगा। जैक बहुत असमंजस में पड़ गया। ये फलियाँ सामान्य फलियों जैसी नहीं लगती। वे फलियाँ जरूरत से ज्यादा ही अजीब थीं। वे बहुत बड़ी थीं, आम फलियों से कहीं ज्यादा बड़ी। मुझे ये फलियाँ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इनका? ये आम फलियाँ नहीं है नन्हे बच्चे, ये जादुई हैं। जादुई? सचमुच? ये कैसे काम करती हैं? इनमें ऐसा जादू है कि तुम रात को इनको बो और सुबह तक ये उगकर आकाश में पहुंच जाएंगी। जैक को यकीन हो गया। उसने गाय के बदले उन जादुई फलियों का सौदा कर लिया। अब ये सब तुम्हारी हुई इस गाय के बदले। जैक बहुत उतावला था अपनी माँ को वो दिखाने के लिए। घर पहुँचने पर जैक मुस्कुराया और उसने अपनी जेब में हाथ डाला। जरा इन फलियों की ओर देखो माँ, ये जादुई हैं। क्या तुमने इन अजीब से लगने वाली फलियों के बदले में गाय बेच दी? हाँ बेशक बेच दी। तुमने कुछ फलियों के बदले में गाय दे दी? कितने बेवकूफ हो तुम। माँ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने वे फलियाँ खिड़की के बाहर फेंक दी। कितना मूर्ख लड़का है। जैक बहुत उदास हो गया। वो दौड़कर छत पर बने अपने छोटे से कमरे में चला गया और मन ही मन सोचने लगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया, मैंने गाय फलियों के बदले बेच दी। वो अपने बिस्तर में रोते रोते सो गया बिना खाना खाए। जैसे ही अगली सुबह सूरज निकला, जैक जागा और उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। वो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक बड़ी सी बेल थी, इतनी ऊंची कि वो आकाश को छू रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये फलियाँ सचमुच जादू की थी। उसने उस बेल पर चढ़ने का फैसला किया। वो बेल ऊपर और ऊपर चलती चली गई, जब तक उसने आकाश को नहीं छू लिया। बेचारा जैक चढ़ता गया चढ़ता गया, जब तक अंत में उसने तैरते बादलों को नहीं देख लिया। ये तो कमाल हो गया, हर चीज यहाँ से कितनी छोटी लगती है। जब वो और ऊपर चढ़ा, उसने एक सोने का दरवाजा देखा जो सूर्य की किरणों में चमक रहा था। जैसे ही वो और आगे गया, वो झूल कर खुल गया। यह आकाश में एक राज्य था जो जादू का था। जैक अवाक रह गया उस राज्य की सुंदरता देखकर। जैसे ही उसने राज्य में प्रवेश किया, उसने देखा एक राक्षस रूपी आदमी वहाँ कुर्सी पर सो रहा था। बेल पर चढ़ने के बाद जैक को बहुत भूख लग गई थी, इसलिए वो अंदर गया धीरे धीरे किचन का रास्ता तलाशते हुए। उसने किचन में ताज़ा फल और दूध देखा। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाला था, उसने बहुत ऊंचा शोर सुना।
ये आवाज कैसी? जैक सहम गया और एक छोटे सी छेद में छिपने के लिए भागा। हाँ, कहीं भी छुपा क्यों ना हो कोई, मुझे किसी अंग्रेज की गंध आ रही है। चाहे वो जिंदा हो या क्यों ना वो मुर्दा हो, मैं उसे ढूंढूंगा और खा जाऊंगा। भुना हुआ आदमी का गोश्त टोस्ट में अच्छा लगता है। राक्षस उस लड़की को ढूंढने लगा। मजा आ जाएगा। राक्षस को कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसने अपना खाना खाया जो मेज पर रखा हुआ था। उसने अपने सोने के सिक्कों का थैला निकाला, उन्हें गिना और मेज पर एक तरफ रख दिया। फिर वो सो गया। जैक धीरे धीरे अपने छिपने की जगह से बाहर निकला और उसने सोने के सिक्कों का थैला लेने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि उसकी माँ अब उससे नाराज नहीं रहेगी। ये कितना भारी है, मैं ये लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। वो फलियों की बेल से फिसलता हुआ नीचे आया, अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों का थैला बांधे हुए। वो घर गया और वे सिक्के अपनी माँ को दिए। सोने से भरा हुआ थैला? हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जैक ने पूरी कहानी अपनी माँ को कह सुनाई। माँ बहुत खुश हुई कि उन्हें सोना भी मिल गया और जैक जीवित वापस लौट आया था। कुछ दिनों के बाद जैक फिर कली की बेल पर चढ़ा। वो राक्षस के घर ऊपर आ पहुँचा। एक बार फिर जैक ने राक्षस को सोते हुए पाया, पर इस बार वो खर्राटे मार रहा था और खर्राटे इतनी ऊंचे थे कि उसे तुरंत उस छेद में जाना पड़ा अपने कान बचाने के लिए। राक्षस जाग उठा। जैक डर के मारे उछल पड़ा और खुद को बिस्तर के नीचे छिपा लिया। कोई तो है यहाँ, मुझे एक अंग्रेज की गंध आ रही है। चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, मैं उसे ढूंढूंगा और खा जाऊंगा। भुना हुआ आदमी का गोश्त मुझे टोस्ट करके अच्छा लगता है, मजेदार होगा। यहाँ कोई लड़का नहीं है। राक्षस को कोई नहीं मिला। उसने एक मुर्गी निकाली और चिल्लाया, वो सोने का अंडा अभी दे दो। मुर्गी ने एक अंडा दिया जो सोने का बना था, जिसे राक्षस ने अपनी टोकरी में जमा किया और सोने गया। जब वो अंदर गया तो जैक ने देखा कि उसका रास्ता साफ है। उसने मुर्गी ली और तुरंत उस बेल से नीचे उतर आया। घर जाने के बाद उसने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। देखो माँ, इस बार मैं मुर्गी लाया हूँ जो सोने के अंडे देती है। देखो ये कैसे काम करती है, सोने का अंडा दो अभी। जैक की माँ उससे बहुत खुश थी। उस जादू की बेल पर तीसरी बार जैक चढ़ा और राक्षस के राज्य में गया। इस बार जैक ने राक्षस को सुरमंडल पर एक बहुत ही सुंदर गाना बजाते देखा। वो मेज के नीचे छिप गया। मुझे लगता है कोई तो है यहाँ, मुझे एक अंग्रेज की गंध आ रही है। वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, मैं उसे पकड़ूंगा और खा जाऊंगा। भुना हुआ आदमी का गोश्त मैं टोस्ट बनाकर खाऊंगा, मजेदार होगा। आज मैं उस अंग्रेज को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालूंगा। राक्षस ने इधर उधर सब जगह देखा पर वो ढूंढ न सका। वो इतना थक गया कि सोने चला गया। इस बीच जैक ने वो सुरमंडल लिया और जाने ही वाला था कि अचानक वो जादुई सुरमंडल
चिल्लाने लगा, बचाओ स्वामी, मुझे बचाओ, ये लड़का मुझे चुरा रहा है, ये मुझे आपसे दूर ले जा रहा है। वो राक्षस अचानक उठ बैठा और उसने जैक को सुकुंड लिए देखा। गुस्से से भर कर वो जैक के पीछे दौड़ा। तो तुम ही थे वो जो मेरी मुर्गी चुरा रहे थे और मेरा सोने से भरा थैला। मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। पर जैक उससे बहुत फुर्तीला था। वो तेजी से बेल पर फिसल गया और राक्षस जान गया कि उससे चाल खेली गई है। वो उसके पीछे नीचे उतरा। जैक फिसला, खिसका और जितनी तेजी से हो सका उस बेल से नीचे उतरा और अपने घर से एक कुल्हाड़ी लाया। वो बेल को काटने लगा। बेल टूट गई और राक्षस नीचे गिर पड़ा। उसका सिर टूट गया और उसके बाद वो बेल भी भुरभुरा के नीचे आ गई। जब जैक की माँ ने ये देखा वो घबरा गई। वो जान गई कि ये उसकी गलती थी कि उसने जैक को चीजें चुराने से नहीं रोका। जैक लालची हो गया था और वो इस सब के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। फिर वो जैक के पास गई और उसे समझाया। जैक, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें चीजें चुराने दी। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। अगर वो राक्षस तुम्हें पकड़ लेता तो शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी न देख पाती। माँ, मैंने आज अपना सबक सीख लिया है। मैं मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊंगा। जैक और उसकी माँ अब बहुत अमीर थे और वे सदा राह से खुशी रहने लगे।